अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो आज डेस्कटॉप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से ये लाइव सेशन करना है। तो आज वैसे ये कि मेरी कुछ तबीयत भी डाउन थी, लेकिन ये मैंने सोचा है कि लाइव सेशन ये हमने इंशाल्लाह तक करना है। तो इसमें अच्छा इसमें हमारा ऐसे है कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि डेस्कटॉप लिनक्स के हवाले से मैंने ख़ास तौर पे ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है। वैसे तो ये है कि टॉपिक तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये ज़्यादातर यूज़ होता है सर्वर साइड पे। तो यहाँ पर डेस्कटॉप लिनक्स को बताने का मकसद ये है कि क्योंकि हम ज़्यादातर लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप या पीसी पर। तो इस वजह से मेरी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि इस चीज़ को कवर करूं मैं, क्योंकि खुद भी बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूं, यही चीज़ यूज़ कर रहा हूं। तो इस वजह से मैं इस टॉपिक को कवर करना चाहता था। तो दूसरा ये कि इस सेशन के आखिर में इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक इस डेस्कटॉप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सारा टॉपिक कवर करने के बाद इंशाल्लाह ताला एक आपको प्रपोजल आपके साथ शेयर करूँगा अर्निंग के लिए। उसमें आप खुद भी अर्निंग कर सकेंगे या मेरे साथ मिलके एज अ पार्टनर करना चाहें तो ये काम भी हो सकता है। तो मुझे आप अगर कमेंट करके बता दें अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर काइंडली आप ये काम कर दें एटलीस्ट। जी कोई भी जो भी लाइव सेशन देख रहे हैं आप में से कोई भी बंदा यहाँ पे मुझे कमेंट में बता दें तो थोड़ा मुझे आइडिया हो जाएगा। जी अगर मुझे कंफर्म हो जाए तो फिर मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकूंगा। वैसे बाज़ार तो मुझे लग रहा है सब सेटिंग्स इसकी ठीक हैं, क्योंकि कल भी मैंने इसी वजह से प्रैक्टिस के लिए कुछ वीडियोस मैंने की थी, सिर्फ इसी वजह से। तो चलें मैं यही अज्यूम करता हूँ कि सही है सब। तो उसके बाद यह कि मैं एक और प्रपोज़ल शेयर करने के बाद आपको मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वो भी बहुत कम प्राइस में, उसको भी मैं इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगा आखिर में। तो चलें ये चीज़ हम देखते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। तो ये ऐसे ही है जो कि आप जैसे कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं,
कोई ना कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली लिनक्स भी वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज़ है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरी खुद की बनी हुई डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका नाम है रोशन OS 2। तो इसे मैं आपको लिंक भी बताता हूँ, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो मेरी साइट पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, esite.pk मेरी वेबसाइट है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल है स्पीड नेट की कम आ रही है क्योंकि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है मेन, इसी में यूज़ हो रहे हैं शायद रिसोर्सेज ज़्यादा। तो इसे भी यूज़ किया जा सकता है। और एक तो सवाल जो पहले ज़हन में आता है कि आप एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ करें जबकि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिससे आप शायद मुतमईन भी हैं मे बी, तो फिर आपको एक और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या ज़रूरत है? तो ये एक सवाल ज़हन में आता है। तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें फीचर्स हैं जिसकी वजह से रिकमेंड किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करें। उसमें सबसे जो पहली बात है वो है कि फास्ट, आप देखें कि आप ये बात सोचें कि एक आप अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, गालबन विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो कितनी ये हैरानगी की बात होगी कि उसी हार्डवेयर के ऊपर आपका सिस्टम ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। तो कैसा, ये बात सुन के कैसा लगता है कि आपका हार्डवेयर वही है, वही रैम है, वही प्रोसेसर है, वही हार्ड डिस्क है, सेम सिस्टम के ऊपर आप सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम अपना चेंज करें तो आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम की बेहतर हो जाए? तो स्पीड एक इसका मेजर एक चीज़ है, स्पीड की वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिक्योर है। सिक्योर से मुराद ये है कि इसमें इतनी आसानी से वायरसेस नहीं आ सकते, मतलब इसको इम्यून तो नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल वायरसेस आ ही नहीं सकते, लेकिन निस्बतन इसमें वायरसेस आना मुश्किल है। तो ये है कि यहाँ पे कमेंट बॉक्स साथ खुला हुआ है, आप इसमें मुझे कर सकते हैं मैसेजेस भेज के, उस पर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी सवालात हैं उसको जवाब दूँ। तो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे मेरी साइट पे आप जाके ये रोशन OS 2 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली दो हैं, एक ये नॉर्मल एडिशन है रोशन OS और एक इसका लाइट एडिशन है। ये आप लिंक भी देख सकते हैं, बॉटम लेफ्ट साइड पे लिंक चेंज हो रहा है, तो दोनों को आप चेक कर लें। वैसे अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है तो फिर आप ये सिंपल रोशन OS को डाउनलोड कर दें, यानी जिस तरह कोर i3 है या उससे आप मॉडल सीरीज में है, तो इसमें भी दो वर्जन है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इसमें जो लेटेस्ट है उसको आप चेक करें, वरना आप इसमें पुराना अगर सिस्टम है आपके पास 2 GB रैम है या उसके करीब करीब कोर टू डू है, तो फिर इसमें रोशन OS Lite इसका जो वर्जन 1 है वो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पुराना है यानी 1 GB रैम है या उससे भी कम है, तो फिर इसमें रोशन OS Lite का 2 एडिशन जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि ये लाइव सेशन मैं लिनक्स के ऊपर ही कर रहा हूँ, और मैं आमतौर पर जो भी अपना काम करता हूँ वो लिनक्स के ऊपर ही करता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं, बल्कि अपने बारे में थोड़ा मुझे बताना चाहिए था पहले, वो मैं भूल गया। तो वो ये है कि मैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, वैसे मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, वेब डेवलपर हूँ, ओपन सोर्स और लिनक्स के साथ पुराना तल्लक है, 2008 से मैं गालबन ये यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर, और
अभी जो मैं लैपटॉप ये यूज़ कर रहा हूँ, जिसके ऊपर अभी आप ये स्क्रीन मेरी देख रहे हैं, इसके ऊपर मेरे पास अभी तो खैर विंडोज़ भी है और लिनक्स भी है। तो जब मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो मुझे ये लिस्ट में शो करता है कि आपने विंडोज़ यूज़ करनी है या लिनक्स यूज़ करनी है। तो अभी तो खैर मैं लिनक्स में हूँ। तो इससे पहले जो मेरे पास सेटअप था उसमें तो मैंने विंडोज़ इंस्टॉल ही नहीं की हुई थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे उसकी ज़रूरत ही बहुत कम पड़ती है। अभी भी विंडोज़ में तभी मैं मुझे जाने की ज़रूरत पड़ती है जब कोई एक्सपेरिमेंट करना हो कुछ चीज़ें, क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको या स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ चीज़ें हमें विंडोज़ में भी टेस्ट करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है, आप विंडोज़ यूज़ करें या मैक यूज़ करें या लिनक्स यूज़ करें। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लिनक्स बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, इसी वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो सिक्योरिटी में ये है कि इसमें वायरसेस इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं और सिस्टम को ब्रेक करना भी मुश्किल है। और दूसरा ये कि ये सिस्टम एक पावरफुल सिस्टम है। तो यहाँ पे पावरफुल सिस्टम से क्या मुराद है कि ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पावरफुल ऐसे है कि यही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके जो सुपर कंप्यूटर हैं उनके ऊपर भी यही यूज़ हो रहा है, और यही सेम ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में या ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें है कि ये वर्सटाइल सिस्टम है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, फिर ये है कि इंशाल्लाह मैं इसके बाद आपको लाइव आपको डेमो एक चला के दूंगा, उसमें ये सारी बात आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। लेकिन ये कि थोड़ी सी थ्योरी ये कवर करनी ज़रूरी भी है कि आपको ये बात तो पता हो कि अगर आप अपने लैपटॉप में लिनक्स का, अक्सर लोगों ने नाम ही सुना होता है, यूज़ कम किया होता है, या ये कि सर्वर्स पे यूज़ हो रही होती है लिनक्स, तो यूज़र्स जो हैं उनको यही पता होता है सर्वर पे लिनक्स है, लेकिन ख़ुद वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन केस के अगर आप चाहते हैं कि लैपटॉप पे भी करें, तो ये बहुत दिलचस्प बात है कि सुपर कंप्यूटर पे भी मैक्सिमम जो सुपर कंप्यूटर हैं वो यूज़ कर रहे हैं लिनक्स। तो वही सेम आप समझे कि सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत ये ज़बरदस्त बात है। और एक इसमें फीचर इसका ये है कि ये बेसिकली फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे देखें, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर विंडोज़ है या और जो सिस्टम है वो आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, तो लिनक्स की एक ख़ास बात है कि ये फ्री है, और इसको डाउनलोड करना, खुद यूज़ करना, अपने और दोस्तों को अगर आप दें, ये सब लीगल है। वैसे अगर आप विंडोज़ परचेज़ भी करें, अक्सर लोग तो पायरेटेड यूज़ करते हैं, अगर परचेज़ भी कर लें और उसको भी आप और लोगों के सिस्टम पे इंस्टॉलेशन शुरू कर दें, तो वो इलीगल है, वो आप एक तरह से चोरी कर रहे हैं। अक्सर लोग तो ये चोरी वाली विंडो ही यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। एक और इसमें इसका फीचर ये है कि ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स की मेरे ख्याल है हमारी जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक को इसकी अफादियत का अंदाज़ा नहीं है, इसी में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो इसी के ओपन सोर्स की वजह से ही आ जाते हैं। सिक्योरिटी भी एक ऐसा फीचर है। ओपन सोर्स में ये होता है कि जो भी कोड लिखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो सारी पब्लिक देख सकती है। इसमें यह है कि जो एंड यूज़र हैं वो तो सोर्स कोड अगर प्रोग्रामिंग नहीं समझते या छोटे लेवल के पे समझते हैं, तो वो तो खैर इस चीज़ को एनालाइज नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं कर सकते कि जो कोड लिखा जा रहा है वो कैसा है। लेकिन क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डेवलपर्स भी होते हैं, तो उसमें फिर वो आसानी से रिव्यू वो करते रहते हैं रिव्यू, और इसमें इसी वजह से कोई गलत किस्म का कोड नहीं जा सकता। अच्छा शाहजेब भाई वेलकम जी। तो यहाँ पे ये कमेंट सेक्शन में आप कोई भी सवालात कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी मैं थ्योरी उसकी बता रहा हूँ कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज़ करें तो क्यों करें। तो उसकी मेन वजह इसके फीचर्स ही हैं। तो ओपन सोर्स होने की वजह से कोई भी गलत किस्म की एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट है उसका कोड है वो ओपन है। अब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं जो कि जिसका कोड आपको नहीं पता, या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो
आप सिर्फ सोचते ही रह सकते हैं, मुमकिन है ये अभी क्या एक्टिविटी कर रहा है, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के केस में ऐसे नहीं है, तो इसी वजह से मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि जो भी मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ वो ओपन सोर्स हो। अब यहाँ पर व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप फ्री भी है और प्रोप्राइटरी है, तो उसके कोड का आपको नहीं पता उसके क्या पीछे बैकएंड पे कोड है। तो अमूमन जो इस तरह की कंपनीज होती हैं ये आपके डाटा को यूज़ किसी हद तक करती हैं और बाज़ औक़ात मिसयूज़ भी करती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप के बजाय मैं सिग्नल ऐप यूज़ करता हूँ जो कि एक ओपन सोर्स है। तो कुछ जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूँ, फिर ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल डेमो इसका दूंगा कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एक फ्रेश सिस्टम मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उसका मैं आपको डेमो दूंगा। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ जो एप्लीकेशन में हैं आपने नाम कुछ सुने भी होंगे लेकिन आपको शायद पता ना हो। इसमें एक नाम है VLC प्लेयर, मीडिया प्लेयर एक VLC सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ में अक्सर लोग इसको मीडिया फाइल्स के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक वेब ब्राउज़र है फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स है। गूगल क्रोम आप यूज़ करते हैं या आजकल क्रोमियम बेस्ड और भी बहुत सारे ब्राउज़र मार्केट में हैं, एज है, गूगल है प्रोप्राइटरी कंपनी है उसके अक्सर चीज़ें सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता, कुछ की वो चीज़ें शेयर कर भी देते हैं। तो गूगल क्रोम जो है वो खुद इटसेल्फ जो है वो एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है जो कि ओपन सोर्स है, उसी को वो सोर्स वो मेन वही यूज़ करते हैं और ऊपर अपनी जो भी उनकी ब्रांडिंग है गूगल वाले वो यूज़ करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने उन्होंने जो एज ब्राउज़र निकाला है वो भी बेसिकली क्रोमियम का ही सोर्स कोड लेके उसी को वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह फीचर्स में तो अभी तो चंद मैंने आपको इसीलिए लिस्ट किए हैं कि आपको एक इसकी वजह समझ आए कि आप लिनक्स को क्यों यूज़ करें। मतलब अक्सर लोग तो ये अपने जो भी सेटअप है उससे वो मुतमइन होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं सब कुछ चीज़ें उनकी चल रही हैं तो वो कहते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है एक नया सिस्टम हम करें। तो इसमें फिर मैंने जैसे कि बताया है कि एक फ़ीचर तो जैसे इसकी स्पीड ही है, यही मैं समझता हूँ कि एक मेन ऐसा फ़ीचर है जिसकी वजह से लोग इस पे शिफ्ट होते हैं या करना भी चाहिए। सेम हार्डवेयर पे आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं, फिर बाकी फ़ीचर्स भी इसके अच्छे हैं। तो इसमें एक चीज़ फिर ये समझ आती है, सवाल जहन में आता है कि जब इतने अच्छे इसके फ़ीचर्स हैं जो मैंने 5-6 आपको गिनाए हैं, वैसे तो आप किसकी लिस्ट सर्च करें फीचर्स की तो आप हैरान रह जाएंगे कि बेतहाशा फीचर्स हैं। तो ये सवाल जहन में आता है कि जब इतने ज़्यादा फीचर्स एक सिस्टम में हैं तो फिर ये मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों नहीं है? आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जिधर भी ऑलमोस्ट आप जाते हैं आपको अमूमन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है या चंद जगहों पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिलता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी सी फिर हैरान करती है कि जब एक सिस्टम इतना अच्छा है, फास्ट है, सिक्योर है, ओपन सोर्स है, फ्री है, तो इसको यूज़ क्यों नहीं किया जाता? तो इसमें काफ़ी इसका दिलचस्प जवाब है कि इसमें पीछे बैकएंड पे ये चीज़ है कि जब आप सिस्टम परचेज करके आते हैं तो एक तो उसमें यह कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आप अमूमन वही यूज़ करते हैं। तो अमूमन यही होता है कि आप मार्केट में पीसी लेने जाएं या लैपटॉप लेने जाएं तो उसमें अमूमन विंडोज़ ही होती है। तो शुरुआत ये ऐसे हुई तो फिर अब ये है कि ये मार्केट में विंडोज़ ही ज़्यादातर यूज़ होती है। इवन कि मुझे याद पड़ता है कि गवर्नमेंट में इन्होंने लैपटॉप निकाले थे, ये लैपटॉप वाली जो स्कीम थी स्टूडेंट्स को दिए जाते थे, तो उसमें लिनक्स जो शुरू वाले वर्जन थे उसमें लिनक्स थी। तो क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो उससे फेमिलियर नहीं थे, उसका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ होता तो शायद वो चल भी जाता, स्टूडेंट्स को बताया जाता कि ये कैसे इसको रेगुलर ऑन गोइंग बेसिस पे यूज़ करना है, तो फिर तो कोई मसला नहीं था। लेकिन वो ऐसे नहीं था, फिर अक्सर स्टूडेंट्स ये उसी पे विंडोज़ यूज़ कर रहे थे। तो इसमें यह कि एक लर्निंग कर्व है, जैसे कि आप थोड़ा सा ये सोचेंगे पहली दफ़ा जब आप विंडोज़ यूज़ करते हैं या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको कुछ दुश्वारी आती है, फलां चीज़ किधर है, फलां चीज़ किधर है, तो आपको कुछ टाइम लगता है उसको सीखते हुए,
फिर यह कि एक टाइम आता है आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं जी। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये चीज़ इधर है, ये चीज़ इधर है। तो जब आप एक नए सिस्टम पे जैसे कि लिनक्स पे शिफ्ट होते हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पता होती कौन सी चीज़ किधर है। तो इस वजह से एक इसमें एक लर्निंग कर्व है। जितना टाइम आपने जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज़ किया है उसको दिया है, उसके बजाय आप उससे थोड़ा सा टाइम भी 10% भी इसको दें तो मेरे ख्याल है आप इस पे सीख सकते हैं चीज़ें और इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक इसमें डेमो दिखाता हूँ। आप ये कि कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ लें, क्योंकि अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा जनरली थोड़ा सा ब्रीफ किया है, इन डेप्थ नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता जो लोग देखेंगे उनका इंफॉर्मेशन नॉलेज किस टाइप का है। जो आईटी में हैं माहिर हैं उनको तो ये बहुत अच्छी तरह ये चीज़ पता है कि लिनक्स एक ज़बरदस्त सिस्टम है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बीच में कवर करने भूल गया था कि वर्सटाइल, मैं इसमें कह रहा था कि ये एक वर्सटाइल है। उसमें एक चीज़ ये भी है कि अक्सर लोग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन में, तो एंड्रॉयड खुद जो है वो लिनक्स बेस्ड सिस्टम है। तो इसमें एक, चले मैं एक चीज़ की और भी वजाहत कर देता हूँ कि एक चीज़ है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक चीज़ है लिनक्स कर्नल। तो लिनक्स कर्नल आप समझें कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम का छोटा सा पार्ट है जो कि बहुत अहम है, जो कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने में, एप्लीकेशन को रन करने में, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यानी कि बैकएंड पे जितनी भी चीज़ें हैं वो कोर जो कंपोनेंट है वो यूज़ हो रहा है। तो जब हम लिनक्स बोलते हैं तो अमूमन इससे ये दोनों चीज़ें मुराद ली जा सकती हैं। लेकिन आजकल जिस तरह अकेला लफ्ज़ लिनक्स बोला जाए तो उससे मुराद लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जब कर्नल के हवाले से कोई स्पेसिफिक बात करनी हो तो फिर बोला जाता है लिनक्स कर्नल में ऐसे है वैसे है। तो मैं भी जो सारी आपको बात कर रहा हूँ डेस्कटॉप में इसके यूजेज की, तो वो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से ही है, तो उन्हीं सिस्टम को यूज़ करते रहते हैं। कुछ लोगों का तो ये मानना होता है कि काम चलाना है हमारा मकसद, हमें परफॉर्मेंस से, सिक्योरिटी से, इस तरह की चीज़ों से, प्राइवेसी से हमारी अपनी, उससे हमें कोई गर्ज नहीं। तो बहरहाल ये डिपेंड करता है। मेरे केस में तो यह है कि मैं तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा करता हूँ परवाह। तो अगर आप भी करते हैं तो ठीक है, फिर आपको इस पे स्विच करना चाहिए। अभी मैं इसमें एक ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है इस पे मैं इसको चला रहा हूँ, तो इसमें यह अमूमन कुछ ना कुछ इश्यूज भी आते हैं, कभी कोई एक चीज़ चलने में मसला करती है, कभी दूसरी। लेकिन ये अभी जिस तरह बूट हो रहा है, पहले तो आपको इसी तरह ISO इसका डाउनलोड करना है, जो मैंने लिंक बताया है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसकी बूटेबल USB आप बनाएं, और उसी पे मेरी जो साइट है उसका जो पेज मैं आपको दिखा रहा था उसके ऊपर ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें इन डिटेल आपको बताई हुई हैं। उसमें आप बेशक चेक करें तो बहुत डिटेल के साथ चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। मैंने अभी वैसे वो क्लोज़ कर दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको मैं अभी फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको व्यू जो है फिर ज़्यादा ये अच्छा व्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी रोशन OS पे जाता हूँ इस पेज पे, और अगर आवाज़ का कोई इशू है या कोई और इशू आता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें ताकि मुझे भी साथ साथ पता लगे, या वैसे भी आप कमेंट में कोई हेलो आई करें मुझे अंदाज़ा हो कि आपको कुछ समझ आ रही है सेशन या कोई क्यूरी है। तो यहाँ पे इस पेज पे देखेंगे, ये मैंने इसमें मेंशन किया कि इसमें रोशन OS का 2 वर्जन ये रिलीज़ हो चुका है। बाकी ये डिस्क्रिप्शन वगैरह आप सारी पढ़ लें, स्क्रीन शॉट वगैरह लगे हुए हैं। अभी तो खैर इसको दिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आपको लाइव अभी चला के दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की जो है वो भी हमने वीडियोस भी यहाँ पे रखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट भी ये हैं, तो ऑलमोस्ट ये बटन है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं अभी फुल स्क्रीन में स्विच करता हूँ, और जी जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल इसको करके इधर आएंगे तो ये इस तरह से इंटरफेस आ रहा होगा। ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। तो इसके मैं एक चीज़ पहले डिस्प्ले थोड़ा सा ये फिक्स करता हूँ, क्योंकि इसको मैं वर्चुअल मशीन में यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें ये चंद चीज़ें इस तरह की इशू कर जाती हैं।
तो ये इसके राइट साइड पे इसको एक पैनल आप कह लें कि जिसमें ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, कौन सा है, सीपीयू कौन सा यूज़र है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, डिस्क आईओ वगैरह, यानी ऑलमोस्ट बहुत सारी इसमें चीज़ें ये आपको बता रहा है। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि ये इसका स्टार्ट बटन है, ये फुल स्क्रीन स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर ही आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। एक पहले तो आप जब यूएसबी से बूट करेंगे तो यहाँ पे एक इंस्टॉलर का बटन, एक आइकन होगा, उससे तो आप क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट में या वीडियो में आपको तरीका बताया हुआ है उसको फॉलो करते हुए। तो फिर आप ये चीज़ें, एफएक्यूज़ हैं और यूज़र मैनुअल है, इस तरह जो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे वो आप इसकी व्यू कर सकते हैं। अभी देखें, फिर कोई वर्चुअल बॉक्स के कोई इश्यू है शायद, जिस वजह से डिस्प्ले ये गायब हो गया। चलें, ये भी मुझे रीस्टार्ट में एक दफ़ा कर लेता हूँ। तो वर्चुअल बॉक्स आप एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप इसको विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और मैक में भी, यानी कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त हैं। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि आप यूज़ टू हो जाएं उनके, तो फिर ये फ़ायदा है कि आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने आ जाए तो फिर आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि आपने यूज़ ही सॉफ्टवेयर जो करने हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं। तो इसी चीज़ को बेस करके मैंने वैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई भी है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये तो एक एक मैंने बताया ना आपको चीज़ है, इसके अलावा यहाँ पे और आपको प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें आप फ्री भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर है या पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री। ये दो चीज़ें, और यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट है, ये मैंने क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर को ही बेस करके और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, लेकिन ये पेड है, ये फ्री डाउनलोड के लिए नहीं है। बाकी ये तीन चार चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये तो फ्री डाउनलोड के लिए ना, तो एमएक्सीपी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पेड है, और इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर और स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें इसमें प्री इंस्टॉल हैं, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है, डॉकर है, फ्लैटर है, मतलब इस तरह की बहुत सारी जो डेवलपमेंट टूल्स हैं ना वो उसमें प्री इंस्टॉल हैं, जावा है, पाइथन है। तो अक्सर स्टूडेंट मुझे पता है कि यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज तो कर लेते हैं, लेकिन वो बाज़ अवकात अपने सिस्टम पे चीज़ें तक इंस्टॉल नहीं करते, तो उसका फिर नतीजा ये होता है वो कोर्स तो रो दो के पास कर लेते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि वो प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी चीज़ें चला के चेक ही नहीं की। तो मेरी तो सब स्टूडेंट से उनको सजेशन है कि आपने काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से चीज़ें करें, क्योंकि आपने कल कलाम स्टूडेंट्स को भी, अगर हो सकता है कल कलाम आप टीचिंग के शोबे में आ जाएं, तो फिर जैसे आपको आती हैं वैसे ही आप पढ़ाएंगे, तो फिर और ही बेड़ा गर्क होगा स्टूडेंट्स का। तो इसमें एफएक्यूज, यूज़र मैनुअल, सिस्टम सेटिंग्स, ये कंट्रोल पैनल की तरह, और टूर में ओवरऑल इसको रन करने के बारे में बताया गया, और हेल्प में भी इस तरह और डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल अभी इसका कोई इश्यू है जिस वजह से ये रीस्टार्ट हो रहा है बार बार। जबकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको डेमो इसका देता कि चीज़ें किस तरह चेंज कर सकते हैं। चलें, मैं फिर ये कि मैं इसको अभी क्लोज ही कर देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरा प्लान था इसको यूज़ करने का, लेकिन ये इशू कर रहा है, क्योंकि मैं खुद भी जो ये यूज़ कर रहा हूँ ये भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो प्लान तो मेरा ये था कि उसमें कस्टमाइजेशन करूँगा, चेंजेस करूँगा, तो मेरा जो सिस्टम वर्किंग सिस्टम है इसमें कोई इफेक्ट नहीं हो, टारगेट तो मेरा ये था। लेकिन चलें, अब फिर इस चीज़ से हटके मुझे अब करना पड़ेगा। अच्छा चलें, ये कुछ सवालात मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये तो आप नूर जी ने लिखा है कि ये जब भी यूज़ करते हैं तो इनको टर्मिनल सामने आ जाता है,
तो वो तो वाकई ऐसे ही है कि टर्मिनल को यूज़ करना तो बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा नूर भाई, मेरा तो आपको यही सजेशन है कि अगर आपके पास कोई पुराना सिस्टम है तो उसमें ये इशू आ जाता है कि इंस्टॉलेशन के बाद आगे कुछ ज़्यादा, मुझे नहीं पता आपके पास सिस्टम कौन सा है। अच्छा इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई ना कि एक लिनक्स जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं है। वैसे आजकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ड्राइवर्स के इश्यू नहीं होते, ये वाईफाई का ड्राइवर है या ग्राफिक कार्ड के हैं, ये अमूमन आपके हो जाते हैं इंस्टॉल, प्री इंस्टॉल होते हैं, या फिर इंस्टॉल आप उनके जेन्युइन जो ड्राइवर हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि कंपनीज भी वो प्रोवाइड करती हैं। लेकिन फिर भी बाज़ जो हार्डवेयर हैं उनके ड्राइवर की वजह से भी इश्यू हो जाता है, फिर आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं तब इंस्टॉलेशन होती है, क्योंकि मुझे भी ये सामना करना पड़ा है। कम ही ऐसे हुआ है, लेकिन बाज़ जगह पे वाईफाई पुराना कोई सिस्टम है उसके, उसने अगर ड्राइवर नहीं उठाए तो फिर मुश्किल से करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही सिंपल या हलवा ही है। जब आप चीज़ यूज़ करनी है तो आपको इसमें मुश्किल चीज़ें भी फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ आप जब पहली दफ़ा विंडोज़ आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको कितने सारे इश्यूज़ आते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। एक छोटा सा इश्यू मैं आपको बताता हूँ कि आप वैम्प सर्वर आप जब इंस्टॉल करते हैं और अगर आपने स्काइप भी किया हो तो उसमें एक पोर्ट का इशू आ जाता है, तो वो जब तक आप प्रैक्टिकली ऐसे सिचुएशन में पाला नहीं पड़ता है तब तक आपको पता नहीं लगते सॉल्यूशंस। तो इसमें भी आपको फिर इस तरह चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो चलें, मैं तो आपसे ये कहूँगा आप मुझे बेशक कभी टाइम मिले तो मुझे एग्जैक्ट आप बताएं क्या इश्यू आता है, तो मैं कोशिश करूँगा। और मेरी तो ये कोशिश है कि पाकिस्तान में, ओवरऑल दुनिया में भी यूज़र कम है, जबकि ये सिस्टम इतना अच्छा है, ज़बरदस्त है, बल्कि मैं तो इसको कहता हूँ कि ये इस्लाम के भी करीब है। इस्लाम जैसे हमें खैर ख्वाही का चीज़ों का कहता है, तो ये तो ऐसे ही है, ओपन सोर्स है, फ्री है, ये तो आप लीगली डाउनलोड करें, यूज़ करें, एक के बजाय 10,000 सिस्टम पे करें, कोई लीगली, कोई आप चोरी नहीं कर रहे, कोई गलती नहीं कर रहे। और ये कहते हैं कि आप डेवलप करें चीज़ें, कोड, अगर आपको कोड प्रोग्रामिंग आती है तो वो भी आप और लोगों के साथ भी शेयर करें, तो ये चीज़ तो खैर बहुत ज़बरदस्त है। तो चलें मैं यहीं पे आपको थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन इसकी देता हूँ। वैसे तो मेरे था कि मैं दूसरे पे करता, लेकिन चलें वो नहीं हो रहा तो यहीं पे मैं इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें जिस तरह के, अभी तो खैर मैंने ये चेंज किया था अपने हिसाब से, जैसे मैं इसको रेगुलर यूज़ करता हूँ, तो इसमें इसको पहले तो मैं इसको नीचे शिफ्ट करता हूँ इसके, ये और चलें अभी मैं इसी वजह से ऐसे करना चाह रहा था सेटिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी कर ली थी, बहरहाल फिक्स तो मैं ये कर लूँगा चीज़ें, लेकिन ये मुझे अभी फिर इसको थोड़ा सा अब देखना पड़ेगा। सही है, ये इसको मैं बॉटम पे लाना चाह रहा था, और दूसरी चीज़ ये वाला मेन्यू, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाना था।
जी, ये तकरीबन हो गया, बस एक ये चीज़ अब रह गई है, इसको मैंने इस साइड पे ले जाऊंगा तो ये मेरा ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी उसको मैं उधर ही रहने देता हूँ। तो वैसे क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये अमूमन लोग यूज़ करते हैं कि बॉटम पे आपके पास ये पैनल आ रहा होता है, तो बहरहाल लोगों के लिए ज़्यादा आसान यही है अप्रोच के आपके पास ये बॉटम पे पैनल आ रहा है, राइट साइड पे टाइम आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जैसे कि विंडोज़ का इंटरफेस है उससे ये मिलता जुलता है, तो लोगों को भी इसी में फिर आसानी होती है। तो कोई हर्ज नहीं, आप ऐसे ही यूज़ करें, बहरहाल ये आपके अपने ऊपर है। तो स्टार्ट मेन्यू तो मैंने इसका बताया, इसका थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था। तो इसमें यह है कि आपको चीज़ों में बहुत सारी चॉइस है आपके पास, तो कभी कभी मल्टीपल चॉइस जो आपके लिए मसला भी बन जाती है, आपको समझ नहीं आती डिसाइड करने में, ज़्यादा चीज़ें अगर ऑप्शंस हो तो मसला भी होता है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा चीज़ें होने का फ़ायदा ही होता है। तो इसमें जैसे उसमें मैंने बताया कि वो फुल स्क्रीन मेन्यू यूज़ कर रहा था मैं, जो रोशन OS 2 वर्जन है उसमें फुल स्क्रीन मेन्यू है, फिर भी मैं ये दूसरा यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करें और इसमें शो अल्टरनेटिव्स पे क्लिक करें, तो ये हमें बता देता है जो भी और इसमें स्टार्ट मेन्यू के मुख्तलिफ जो लेआउट्स हैं वो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो खैर मैं इसको मज़ीद यूज़ नहीं करता, वरना बहरहाल इंटरफेस ऐसे ही बदल जाता है। तो ये कुछ अरसे से मैं यही वाला यूज़ कर रहा हूँ। बाकी इसमें एक इसमें ये जिस तरह के विंडोज़ में कंट्रोल पैनल होता है उस तरह से इसमें ये सेटिंग्स से नाम से एक मेन्यू है। और इसमें चल मैं आपको थोड़ी सी और भी एक बात बता देता हूँ कि इसमें डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं मुख्तलिफ, इसमें डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स हैं, इसमें जो मैं अभी जो यूज़ कर रहा हूँ इसको कहा जाता है KDE डेस्कटॉप। तो फिलहाल मेरा ये डेस्कटॉप फेवरेट है, इसमें इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं। तो बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं। तो इसकी थोड़ा सा मैं सेटिंग्स का आपको बताता हूँ। इसमें ऑलमोस्ट आप यहाँ से सेटिंग का ये एक ही मेन्यू है, यहाँ से आप ईच एंड एवरी थिंग आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये मैं बड़ी तेज़ी से ये स्विंग वगैरह ये कर रहा हूँ, ये जैसे ये, तो ये बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स ये बनाई हुई है 9 के करीब, ये उसमें भी रोशन OS में भी ऐसे ही है। तो ये चीज़ जो है विंडोज़ में तो खैर अभी आप यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स, पहले ये ऐसे पॉसिबल नहीं था जो पुराने विंडोज़ के वर्जन थे, अभी तो उसमें ये डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का कंसेप्ट आ चुका है, तो पहले ये नहीं था। अच्छा हाँ, चलें आगे हम चलते हैं। इसमें मज़ीद अगर आपके जहन में कोई चीज़ पूछनी है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसको थोड़ा सा ही ओवरव्यू देना चाह रहा था। या इसमें चले मैं आपको ये स्टार्ट मेन्यू को डिस्कस करते हैं कि इसमें एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करें और इसमें ये मैंने एक वीडियो एडिटिंग की एक सॉफ्टवेयर था, बहरहाल यहाँ पे मेरे लैपटॉप में तो नहीं चला, इसमें कोई ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा नहीं था। अब डेवलपमेंट में ये है कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग करता हूँ, वेब डेवलपमेंट करता हूँ, वो सारे की सारी चीज़ें मैं लिनक्स में ही करता हूँ, और ये चीज़ें बड़े आराम से हो जाती हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मतलब आपको शुरू में एक दफ़ा सीखना पड़ता है कि सेटअप कैसे करनी है, वो एक दो दफ़ा आप करते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपके वैसे ही यूज्ड हो जाते हैं। तो बाद लोग ज़ैम्प सर्वर पसंद करते हैं, तो ज़ैम्प सर्वर भी इसमें इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसमें ये भी वर्चुअल बॉक्स की तरह एक सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ डेवलपमेंट के लिए, इसको डिफ बोलते हैं, यानी फाइल का कंपैरिजन करने के लिए। स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, VS कोड आजकल तकरीबन ऑलमोस्ट यूज़ होता है, ये VS कोड डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो गेम्स का ये है कि इसमें जो हाई एंड गेम्स हैं विंडोज़ की वो इसमें नहीं चलती हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ इशू एक, इसमें
मतलब इनफैक्ट लिनक्स की मतलब इश्यू नहीं कह सकते उसकी, मैं बताता हूँ आपको कि कुछ सॉफ्टवेयर और भी हैं जो कि इसमें नहीं चल पाते। तो ग्राफिक के सॉफ्टवेयर हैं एडोब के, पूरा आप सूट कह लें वीडियो या ग्राफिक का, वो ऑलमोस्ट इसमें डायरेक्ट नहीं चल सकता। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे है कि कोई कंपनी है वो विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, अपनी उसकी ज़रूरत है या बिजनेस उसमें उनको नज़र आता है, तो वही सेम कंपनीज मैक के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाती हैं और वही सेम कंपनीज लिनक्स के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाती क्योंकि उनको इसमें बिजनेस कम नज़र आता है, यूज़र बेस कम है। हालांकि ये सिस्टम इन दोनों से, विंडोज़ और मैक से लिनक्स, इन दोनों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि यूज़र बेस कम है तो इस वजह से ये जो कंपनीज हैं वो इनके लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाती। सेम इसी तरह गेमिंग की भी जो कंपनीज हैं ये भी विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, मैक्सिमम जो है वो विंडोज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं कंपनीज, और उसकी वजह वही पॉपुलरिटी है, और सेकंड फिर मैक पे आता है और थर्ड पे लिनक्स है। तो बहरहाल इसमें यह है कि इसमें फिर आपके पास ओपन सोर्स कम्युनिटी में मुतबादल सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं और किसी हद तक आप विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप कह लें जुगाड़ हैं या तरीके हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ का मज़ा नहीं है जिस तरह ओरिजिनल होते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे ग्राफिक्स में आप गिम्प के नाम से एक सॉफ्टवेयर है फोटो एडिटिंग के लिए, और इसी तरह आपने अगर वीडियो एडिटिंग करनी है तो KDN लाइव के नाम से एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, यानी एक ही काम के लिए इसमें काफ़ी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो फिर आपकी पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है। तो ये KDN लाइव है इसमें, और इसमें एक ओपन शूट के नाम से वो सॉफ्टवेयर भी है, और यहाँ पे OBS स्टूडियो भी है, ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं एटलीस्ट वो तो आप यूज़ करें हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि वही आप यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर तो फिर कल कल अगर आपने लिनक्स पे स्विच करना है या मैक पे तो आप आसानी से कर सकेंगे। फिर इसमें ऑफिस सूट इसका अपना है, लिब्रे ऑफिस है। एक तो ज़्यादातर तो लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस भी उसी की तरह मिलते जुलते इसमें सॉफ्टवेयर हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको सिस्टम सेटिंग्स मैंने आपको दिखाई थी, और एक इस तरह का ये सॉफ्टवेयर है वाइन के नाम से, ये सॉफ्टवेयर का नाम ये एब्रिवेशन है, और इसमें इस सॉफ्टवेयर का काम यही है कि जो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर है ना वो कुछ किसी हद तक आपके इसमें चला सकते हैं, विंडोज़ के भी और उसके अलावा अडोबी के। बहरहाल कुछ चीज़ें तो ये चल जाती हैं आराम से, कुछ चीज़ें इशू करती हैं, तो प्रेफरेबल तो यही है कि आप जो अल्टरनेट सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मुतबादल सॉफ्टवेयर आप वो यूज़ करें। लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आप फिर ये वाइन की लेयर को यूज़ करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं यहाँ पे कुछ और डेमो में बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूँ। इसमें ड्राइवर्स का जैसे मैंने बताया कि अभी तो ये इशू बहुत कम है, इसी तरह गेम्स का इशू मैंने आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर जो कि यहाँ पे नहीं सपोर्ट हैं किस वजह से नहीं सपोर्टेड हैं ये भी मैंने बता दिया है। तो इसमें एक इशू आ जाता है कि आप सोच लेते हैं कि मैंने यूज़ करनी है लिनक्स, लेकिन एक जो बहुत बड़ा सवाल जो न्यूबीज़ हैं उनके सामने, ये एक सवाल बहुत बड़ा सवाल उनके सामने आता है कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशंस की काफ़ी लंबी एक लिस्ट है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस के हवाले से। एक इसमें डिस्ट्रो वॉच के नाम से एक वेबसाइट है, तो ये बेसिकली ऐसे ही इसको कंपाइल करते रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की न्यू अपडेट्स जो आती हैं या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओवरऑल। तो इसमें
मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ जो भी नए लोग आते हैं और उनको ये इशू आता है कि वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो कौन सी यूज़ करें। तो मैंने भी जब ये यूज़ किए हैं तो उसमें इशू मुझे भी रहा है। अच्छा वैसे बाय द वे आप देखेंगे इसमें एमएक्स लिनक्स जिस पे ये रोशन ओएस डिपेंड करके बना है वो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। एमएक्स लिनक्स वैसे काफ़ी पॉपुलर है, तो भले आप रोशन ओएस यूज़ करें ना करें, आप इनमें से जहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से भी बेशक आप कोई भी चूज़ कर लें। तो इसमें कि आप मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो टॉप 10 या 20 हैं इनको आप नज़र में रखें, इनको आप ट्राई करें। तो हर बंदे का अपना टेस्ट होता है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वही द बेस्ट है, क्योंकि मेरी अपनी तरजीहात हैं, पसंद नापसंद है, तो आपकी हो सकता है और चीज़ें हों। किसी को सेब खाना पसंद है, किसी को सेब खाना पसंद ही नहीं, उसको कोई और फल खाना पसंद है, तो ये ऐसे ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कौन सी भी यूज़ करें, जो बेनिफिट्स आपको मैंने बताए हैं वो ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। तो इसमें जो चंद हैं वो मैं नए लोग जो हैं उनको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिस्टिंग जो है ये इसकी थोड़ी बहुत अहमियत है। इसमें उबंटू का तो बहुत ज़्यादा नाम है, लोगों ने सुना भी होता है, उबंटू को आप बेशक ट्राई करें। उसके अलावा आप एमएक्स लिनक्स को ट्राई करें, लिनक्स मिंट को ट्राई करें, यानी जो मैं आपसे कहा ना रोशन ओएस, उसके अलावा अगर आप और चीज़ें भी करना चाहते हैं उसको भी आप ट्राई करें तो ये भी करें। और फिर इसके बाद मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ वो है ज़ोरिन ओएस। ये चंद जो है ना ये मैंने भी यूज़ किए हैं, और ये इसके अलावा हर एक के अपने ही फ़ायदे हैं। जिस तरह ये पाप ओएस है, इसके आप रिव्यूज़ पढ़ें तो एक दफ़ा तो बाजू का तो बंदे को ये होता है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस चेक करने का चस्का भी पड़ जाता है, डिस्ट्रो होपिंग इसको बोलते हैं। तो ये आदत आपको लत लग जाए तो फिर आप काफ़ी आपका टाइम ज़ाया तो नहीं कहने जी स्पेंड होता रहता है, कि जो भी नई डिस्ट्रीब्यूशन आती है, जिस तरह ये न्यूज़ अब आ रही है कि ये इसका नया वर्जन आया है, ये इसका नया वर्जन आया है, लबुंटो को आया। अच्छा तो फिर ये होता है कि आप कहते हैं अच्छा यार ये नया आई है, इसको भी ज़रा ट्राई कर लेता हूँ, इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो इसमें इस तरह जो न्यूबीज होते हैं वो काफ़ी टाइम अपना इन चीज़ों में लगाते हैं, और ठीक है इसमें कोई हरज भी नहीं, आपकी अपनी पसंद नापसंद है। लेकिन एंड रिजल्ट ये होता है कि आप जब बहुत सारी 20 डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो चंद डिस्ट्रीब्यूशन उसमें से आपकी फेवरेट बन जाती हैं, ऑटोमेटिक सी बात है कि चंद आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बाकी हो सकता है कुछ अच्छी नहीं लगे, मुश्किल लगे। तो आप फिर वो जो चंद आपके पास आई हैं उन्हीं में से किसी एक पे फोकस करके उसको रेगुलर यूज़ करें। तो मैं खुद काफ़ी ये स्विचिंग करके यूज़ करता रहा हूँ, लिनक्स मिंट को मैं यूज़ करता रहा हूँ, उबंटू को कम यूज़ किया है, ज़ोरिन ओएस को मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। 2008 में गलबन 9 में इसको मैंने यूज़ करना शुरू किया था, फिर लिनक्स मिंट को यूज़ किया है काफ़ी, फिर इसी तरह चेंज में करता रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने चेंज किया था वो इसमें, अभी यहाँ पे तो नाम शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, बिग लिनक्स के नाम से एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं यूज़ करता रहा हूँ, कुछ अर्सा उसको अब यूज़ किया है। तो अभी ये जो करंट मेरा सिस्टम है इसको तो मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ, होता ही है कि मैं इसके साथ और डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर लेता हूँ। अच्छा चले इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके बताता हूँ कि आपको मुख्तलिफ इसमें इश्यूज़ आते हैं यूज़ जब आप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी चूज़ करनी चाहिए, बहरहाल इसके अपने अपने पैरामीटर्स हैं। चलिए कोई पॉइंट एक मेरे जहन में आया था अभी फिर निकल गया, फिर अगर जहन में आती है बात तो मैं दोबारा से इसको कवर कर लेता हूँ। तो चल मेरा वैसे जो चीज़ें मैंने करनी थी बात, विच डिस्ट्रीब्यूशन टू चूज़, ये मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर जो पॉइंट मेरे जहन से निकल गया, अगर वो फिर भी मेरे जहन में पॉइंट आता है तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा इसमें मैंने आपसे ये चीज़ कही है कि मैं एक अर्निंग प्रपोजल इस सेशन के एंड पे डिस्कस करूँगा, और एक और चीज़ के जो कोर्स मैं एक अपना लॉन्च कर रहा हूँ वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो अर्निंग एक अपॉर्चुनिटी है उसमें, बल्कि आपको मुझे स्क्रीन ये दिखानी पड़ेगी,
तो जिस तरह मैंने अपनी साइट के ऊपर बताया है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप देखें अगर मार्केट का सर्वे करें तो मार्केट में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर्स की डिमांड है। जी मैंने बताया था तबीयत मेरी कुछ पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि ये सेशन मिस नहीं करता हूँ क्योंकि स्केड्यूल किया हुआ था और इतनी ज़्यादा भी मसला नहीं था। अच्छा, इसके ऊपर एक तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। पेज इसने लोड नहीं किया, तो यहाँ पे दो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन और हैं, एक पॉइंट ऑफ सेल और एक ईआरपी। ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि ये आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको आईटी का सीखना पड़ेगा और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जी ये दो सिस्टम हैं, एक ये पॉइंट ऑफ सेल और एक ईआरपी। ये जो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैं खुद इसको मार्केट में सेल कर रहा हूँ। तो इसमें डिपेंड करता है आप किस प्राइस में सेल करते हैं। यहाँ पे तो वैसे मैंने एक अमाउंट लिख दी है, ये मतलब आप जो कस्टमर है उसके साथ आपकी डीलिंग कैसे होती है। मतलब कुछ कस्टमर्स को आप ज़्यादा चार्ज करते हैं लेकिन उनको सर्विसेज भी फिर साथ में ज़्यादा देते हैं, कुछ कस्टमर को आप फिर सर्विसेज कम देते हैं तो चार्जेस भी कम कर देते हैं। तो इस तरह है, तो ये आप इसको फ्री यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप थोड़ा सा इस्तेमाल इसका सीखें। तो ये बेसिकली आईएसओ है, जैसे विंडोज़ का आईएसओ होता है, तो ये आईएसओ आप इंस्टॉल करना एक दफ़ा सीख लें। यहीं पे पेज के ऊपर वीडियोस में इंस्टॉलेशन बताई हुई है, इसका यूज़ का बताया हुआ है, तो उर्दू में भी ये कुछ मटेरियल है। तो इसी चीज़ को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सीख लें तो बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं। और ये ईआरपी सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर होता है। ये जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज के लेते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, स्कूल्स में यूज़ हो सकता है, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो सकता है ये सॉफ्टवेयर ईआरपी। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे ये यूज़ हो सकता है। तो इसकी भी हमने इंस्टॉलेशन और इसका बेसिक यूज़ ये हमने इसी पेज के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो एक तो चले ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अपनी है कि अगर आप इसको खुद से डाउनलोड करके सीख लेते हैं और कस्टमर्स को आप सेल करते हैं तो वेल एंड गुड, जो भी प्रॉफिट आप कमाएंगे मेरा उसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं ओपन सोर्स चीज़ों को प्रमोट करता हूँ। तो मैंने भी इसमें जो डेवलपमेंट की है ये चीज़ें ओपन इसी तरह फ्रीली अवेलेबल हैं। तो अगर आप इससे फ़ायदा उठाएं तो बहुत अच्छा है, वरना एक और इसमें आपके लिए ऑफर भी है कि अगर आप मेरे साथ मिल के काम करना चाहें तो उसमें यह है कि हम आपस में 50% की डील कर सकते हैं और उसमें आपका काम है कस्टमर मार्केटिंग करना सॉफ्टवेयर की। लाहौर में आप जिधर भी जिस शहर में भी है मेरे साथ इनबॉक्स में आए रब्ता करें, हम आपस में मज़ीद मामला तय कर सकते हैं। या आपको कोई बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसका भी मैं सेशन कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर को पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर को या ईआरपी किस तरह ये बेसिक इसका यूज़ किया है। और फिर यह कि आपने मार्केटिंग करनी है, कोई ना कोई कस्टमर्स आप इंगेज कर लेंगे, उनसे आप पेमेंट लेते हैं, ठीक है, वो हमारे आधे आधे हो जाएंगे। फिर यह कि इंस्टॉलेशन के सिलसिले में मैं मदद कर दूंगा अगर आपको खुद से इंस्टॉलेशन करनी मुश्किल लगती है तो। और दूसरा ये है कि उसमें कभी कभार इश्यूज भी आ जाते हैं या बास कस्टमर उसमें और चीज़ें डेवलप करवाना चाहते हैं, चीज़ें चेंज करवाना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको उसका डेमो भी वैसे दिखा सकता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल का POS.eSite.pk पे जाएं तो ये वेब बेस्ड पॉइंट ऑफ सेल है। तो मैंने तो इसकी एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया ना, उसमें तो और ज़्यादा आसान हो गया इसकी इंस्टॉलेशन करना, लेकिन अगर आप इसको विंडोज़ में भी यूज़ करना चाहें या मैक में भी यूज़ करना है तो ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो एंड यूज़र होते हैं उनको सपोर्ट साथ चाहिए होती है, टेक्निकल चीज़ें वो नहीं कर पाते या
वो और चीज़ें इसमें डेवलप करवाना चाहते हैं, तो उस वजह से फिर आपको एक पीछे डेवलपर चाहिए। तो उस सिलसिले में ये कि मैं डेवलपमेंट का काम कुछ कर सकता हूँ, तो इसी नाम से है ये ओपन सोर्स पॉइंट ऑफ सेल। तो इस तरह हम मिल के काम कर सकते हैं। चलें, ये तो एक चीज़ थी। और जो आखिरी चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी, अपने मैंने एक बताया है कि कोर्स लॉन्च किया है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रही है तो नेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, वैसे ही इतना बुरा नेट नहीं, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी अच्छा ये चलता है, 8 या 10 MB है। तो चलिए, यहाँ पे मैं आपको कोर्स के बारे में बताता हूँ कि अभी तो मैंने इसमें आप देख सकते हैं कि ये मेन्यूज़ में इस तरह ऊपर ऑप्शंस हैं, आइटम ऐड कर सकते हैं, कस्टमर ऐड कर सकते हैं, सप्लायर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ चलने वाली है ये सेल्स का मेन्यू है। ये इसको फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कोर्स जो है HTML, इसमें मेन कवर किया गया है। तो इसमें इन डेप्थ ये कोर्स है HTML का, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको कवर किया है मैंने। ये आप परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ 1000 में। तो इसकी बहुत कम प्राइस इसकी रखी है, और उसकी वजह यही है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को ले सकें। और इसमें यह है कि फिर इसके अलावा, एक तो ये वीडियोस हैं, उसके अलावा यह कि हमारा ग्रुप है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि लोग ज्वाइन कर लें, अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर जाए तो वहाँ पे हम फिर कवर करते रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन इसकी, सॉफ्टवेयर की, यहाँ पे आइटम्स आप टाइप करते हैं नाम, तो वो लिस्ट में से, या स्कैनर अगर रखा हुआ है आपने बार कोड, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर एक मार्केट में ज़रूरत है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा, ये डिस्क्रिप्शन आप बहरहाल ये पढ़ लें, ये कोर्स है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल है सेशन, मेरे ख्याल है मुझे, मैं मतलब मैंने जो चीज़ें करनी थी वो मैंने ऑलमोस्ट कर दी हैं कवर। अगर आपका अभी कोई सवाल है तो आप पता कर सकते हैं। अभी लाइव करेंगे तो मैं उसका जवाब भी अभी ही वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन अगर बाद में आप इस वीडियो को कहीं देखते हैं, हफ्ते बाद, महीने बाद, तो तब भी मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला जवाब दूं। तो क्लोजिंग ही करते हैं, कोई और बात तो मेरे जेन में नहीं, एक पॉइंट मेरे कोई जेन से मिस हो गया था, कुछ मेरे जेन में एक पॉइंट आया था लेकिन शायद निकल गया मेरे जहन में, अगर वो वापस आ जाता तो मैं अभी शेयर कर देता। तो वैसे तो ये, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं सिग्नल पे, या यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, सवाल है कि लिनक्स स्टार्ट करने के लिए जो डेस्कटॉप इंस्टॉल किया जाता है, क्या तमाम डिस्ट्रोज में सेम होते हैं? नहीं, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये रोशन OS 2, इसमें KDE डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, और MX लिनक्स का भी KDE एडिशन है जिसके ऊपर ये बेस करके बना है। लेकिन जो MX लिनक्स ओरिजिनल जो है उसका, वो XFCE डेस्कटॉप यूज़ करते हैं। इसी तरह जो उबुंटू है वो ग्नूम के नाम से जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है वो यूज़ करते हैं। तो ये तीन तो मेजर प्लेयर्स हैं, वैसे इसके अलावा और भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट हैं।
और कुछ जो एडवांस लेवल पे यूज़र होते हैं वो तो ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट यूज़ नहीं करते, वो विंडोज़ मैनेजर जो है वो यूज़ करते हैं, वो क्योंकि इस्तेमाल में वो इससे भी ज़्यादा लाइट होते हैं। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट एक ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं नए लोगों के लिए, तो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट ही अच्छी हैं। तो इसमें ज़्यादा मेरे ख्याल में खूबसूरती के हिसाब से तो ये KDE मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा है। शुरू में तो मैंने इसको नहीं यूज़ किया, मेरे ये ख्याल था कि ग्नोम जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा ये ख्याल है कि ये KDE ज़्यादा अच्छी है। और अगर आपके पास कंप्यूटर में रिसोर्सेज लो हैं तो फिर आप XFCE वो यूज़ करें, वो भी बेहतरीन है। जी नूर जी, और कोई सवाल? तो चलें, मैं ये कह रहा था कि आप मुझे वैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहीं वीडियो पे कमेंट करें या मेरे यूट्यूब चैनल उस पे आप रब्ता करें या सिग्नल ऐप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला मैं जवाब दूंगा।